गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर नॉट इनफ फूड। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट फेमाइन दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल कैलमिटीज एंड ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। नेचुरल कैलमिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, फ्लड, plant disease, natural calamities damage crops and lead to shortage of food and storage of food. Human created problems, that is hoarding and black marketing, improper food storage and poverty. I hope you all remembered these points that I taught you in last class. So children, today I will teach you about deficiency disease, that is caused by lacking of nutrients and foods that we are not eating. और कुछ वैसे भी लोग जो poor लोग हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हो जाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफिशियंसी डिजीज़. डिफिशियंसी डिजीजेज, पीपल हु डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. Malnutrition leads to deficiency diseases. Diseases that are caused by lack of nutrients such as carbohydrate and vitamins in our diet are called deficiency disease. जब ऐसी बीमारियाँ जो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जिसकी कमी की वजह से होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज़. फर्स्ट इज मारस्मस. दिस डिजीज़ इज कॉल्ड मारस्मस एंड इट इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ दिस न्यूट्रिएंट दैट इज गिवन. यहाँ पे जो दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं? द चाइल्ड बिकम्स सो थिन दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन can be seen all over the body. The ribs of the child can be seen. यहाँ आप देख सकते हो कि इसके ribs हैं, जो इसके chest के जो ribs हैं, हड्डियाँ हैं, वो दिखाई देने लगती हैं. वो काफ़ी बच्चा जो है वो thin हो जाता है. तो ये किसकी lacking की वजह से हो रहा है? Carbohydrate और protein की वजह से, जब food में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं. तो ऐसे कौन से food हैं जिससे ये जो डिजीज़ है इससे बचा जा सकता है? राइस, वीट एंड पोटैटोज, मेज़, हनी, एग, फिश, नट्स, दीज आर द फूड आइटम्स दैट्स रिच इन लॉट्स अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. ओके, सेकंड टाइप ऑफ डिजीज इज क्वाशरकोर. इट्स कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन and the symptom of this disease is the abdomen of child gets swollen and bulge out, the legs become thin. In this picture bulge out, आपका ये जो बच्चे का पेट होगा वो बहुत ज़्यादा swell हो जाता है, फूल जाता है और legs बहुत thin हो जाते हैं. और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए किस टाइप के फूड ईट करने चाहिए जिसमें काफ़ी प्रोटीन हो. और वो प्रोटीन आइटम्स यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यू कैन सी, एंड मस्ट बी टेक केयर अबाउट इट. एग, फिश, मीट, सीरियल्स एंड पल्सेस. ओके, थर्ड इज एनीमिया, दैट इज लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन ब्लड. जब हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो एनीमिया बीमारी होती है. और इसमें क्या होता है, किसकी वजह से होता है? आयरन की कमी की वजह से. एंड द सिम्टम ऑफ दिस, ब्लड
carries less oxygen in the body, resulting in pale looks, tiredness, loss of aptitude and weight. ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, वेट कम हो जाता है, थकान महसूस होता है, ठीक है. किसकी वजह से? आयरन की कमी जब आपके बॉडी में होगी तो किस डिजीज़ से सफ़र करने लगेंगे? एनीमिया. तो उसके लिए क्या ईट करना चाहिए? ये सारे जो फूड आइटम्स यहाँ लिखे हुए हैं, सच एज एग, पल्सेस, सीरियल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, पालक, है ना, ये सारी इस टाइप की चीज़ें अपने फूड आइटम में हम लोगों को शामिल करना चाहिए. देन आफ्टर फोर्थ नंबर इज वाटर. इट इज़ कॉज्ड बाई जो डिजीज़ है ये किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से. एंड व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ दिस? स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. थायरॉयड ग्लैंड जो यहाँ पे रहता है वो स्वेल हो जाता है और फूड, इसमें फूड ग्रेन्स, फूड जो लिखे हुए हैं, फिश, सी फूड एंड आयोडाइज सॉल्ट, सॉल्ट जो मिलते हैं मार्केट वाले ही सॉल्ट हैं ये, इसमें आयोडीन होता है. तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉपर अमाउंट में ईट करना चाहिए. इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ. जब बोन्स और टीथ का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, ये भी एक डिफिशियंसी डिजीज़ है. और इट इज़ कॉज्ड बाई कैल्शियम एंड फास्फोरस. एंड द सिम्टम ऑफ दिस बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल. ये भी इसमें बोन्स और जो टीथ हैं, टीथ टेढ़े मेढ़े होते हैं, दिखते हैं, प्रॉपर नहीं आते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं पूरी तरह से जॉ से. और जो बोन्स होते हैं वो भी काफ़ी वीक होते हैं. तो फॉर दिस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस किस तरह से हमें मिलेगा? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, फिश, पल्सेस, नट्स, ये सब टाइप की चीज़ों को ईट करने की वजह से हमें ये हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी नहीं होगी, ठीक है. रिकेट्स, दैट इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन डी. एंड द सिम्टम ऑफ इज बोर्ड लेग्स एंड बेंडिंग ऑफ स्पाइन. स्पाइन जो है पीछे रीढ़ की हड्डी होती है वो झुक जाती है, ठीक है, और लेग्स भी टेढ़े हो जाते हैं. और इसके लिए फूड जो ईट करना चाहिए, दैट इज़ मिल्क, फिश एंड एग्स. सेवेंथ नंबर इज नाइट ब्लाइंडनेस, दैट इज़ कॉज्ड बाई विटामिन ए. द पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट, दिस इज सिम्टम, ठीक है. ये क्या, कैसे पता चलेगा कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है? जो पर्सन होगा अगर इस डिफिशियंसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसको रात में दिखाई, रात में या डिम लाइट में दिखाई नहीं देगी. तो इसके लिए किस तरह के फूड आइटम्स ईट करने हैं? कैरेट, बटर, मिल्क, स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके. एट्थ नंबर इज बेरी बेरी, दैट इज़ कॉज्ड बाई लैक ऑफ विटामिन बी. ये विटामिन बी की कमी से होता है. और इसमें जो सिम्टम्स हैं, स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, एक्सट्रीम वीकनेस एंड नर्वस सिस्टम एंड द मसल्स आर अफेक्टेड. इसमें जो स्किन है वो बहुत ड्राई 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 सा हो जाता है और वीकनेस काफ़ी महसूस होती है. नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करते हैं, मसल्स काम नहीं करते हैं. तो ये विटामिन बी की लैकिंग की वजह से हो जाएगी. तो इसलिए मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब ईट करना है. एंड द नाइन्थ नंबर इज स्कर्वी, दैट इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी. जो जिस भी न्यूट्रिशंस फूड में विटामिन सी होता है उसकी कमी की वजह से स्कर्वी होता है. और इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि स्कर्वी की प्रॉब्लम हो सकती है? दैट इज़ स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ द गम्स. गम्स जो टीथ जिसमें आपके अटैच हैं उसमें से वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, या फिर उसमें से ब्लड आने शुरू हो जाते हैं. तो सिट्रस फ्रूट जस्ट लाइक लेमन, ऑरेंजेस एंड टमाटोज, ये सारी टाइप की चीज़ों को ईट करने से इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी. तो अभी भी आप लोग जो पैंडेमिक डिजीज़ जो भी अब स्प्रेड आउट हो चुका है, इसमें भी ये बताया जा रहा है कि विटामिन सी अगर हम लोग ईट करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा. इससे हम अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो ईट दिस टाइप ऑफ फूड आइटम्स, दैट इज़
आपको जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियों से बचाएगा. सो यू मस्ट टेक केयर अबाउट इट. ओके चिल्ड्रन, लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. टेक द करेक्ट आंसर. दिस प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज वाटर. ये क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका. अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले चैप्टर्स में बताया कि जब एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और जब इसकी कमी होती है तो भी प्रॉब्लम होती है. तो इस वाटर इज प्लेज वेरी इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इन अ क्रॉप प्रोडक्शन. सेकेंड इज मैल न्यूट्रिशन लीड्स टू. मैल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होती है? डिफिशियंसी डिजीज़. बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां जब अच्छे से डाइट में हम लोग वो सारी चीज़ें ऐड नहीं करते हैं. ठीक है. थर्ड नंबर इज बोथ होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग आर. इट इज़ इल्लीगल. ये दोनों ही गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. फोर्थ इज व्हेन द एब्डोमेन ऑफ चाइल्ड gets swollen and bulge out, he is suffering from this symptoms is of kwashiorkor. ये kwashiorkor का symptom है जिसमें abdomen जो है वो बाहर निकल जाता है, फूल जाता है. ठीक है. The B number exercises fill in the blanks. Most of the farmers depend on dash for their crops. They depends on रेन वाटर. वो बारिश पे जो रेन होता है उस पे डिपेंड होते हैं अपने क्रॉप्स के लिए. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सी इन डिम लाइट. जिसको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो डिम लाइट में नहीं देख पाता है, उसको अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम होती है. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. गिव टू कॉजेज ऑफ फेमाइन. टू कॉजेज ऑफ फेमाइन दैट इज हियर. फर्स्ट वन इज नेचुरल कैलमिटीज एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम. ये दो कारण हैं जिसकी वजह से फेमाइन कॉज्ड होता है. ठीक है. हैव यू रिमेंबर ना व्हाट इज फेमाइन? द कंडीशन व्हेन पीपल डू नॉट गेट इन अ फूड टू ईट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फेमाइन. सेकेंड इज नेम थ्री नेचुरल कैलमिटीज. नेचुरल कैलमिटीज दैट इज फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वैक. ये प्लांट डिजीज, दीज आर नेचुरल कैलमिटीज. द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स आई विल गिव यू इन PDF फॉर्म. राइट डाउन प्रॉपरली इन योर नोटबुक एंड लर्न एज वेल. Okay, thank you.